हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स और उसमें अल्फा अमीनो एसिड। तो लास्ट वीडियो में हमने अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड का जो नेमिंग है और स्ट्रक्चर है वो पढ़ा है। आज उसी अल्फा अमीनो एसिड टॉपिक में अल्फा अमीनो एसिड से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें देखना है जिसका नाम है जिटर आयन। हमेशा एग्जाम हो या सीईटी हो या नीट एग्जाम हो, उन सभी में एक सवाल पूछा जाता है कि जिटर आयन क्या है। तो जिटर आयन ये एक अल्फा अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी, जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं वो जिटर आयन बनाते हैं। स्पेलिंग है ZWIRTER, जिटर आयन। तो जिटर आयन क्या है, तो ये देखने से पहले आप एक बार समझ लीजिए कि जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, ये अल्फा अमीनो एसिड हाई मेल्टिंग मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, सिंपल अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा। ये जो अल्फा अमीनो एसिड है इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है सिमिलर मॉलिकुलर मास रहने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से और अमाइन से। इसलिए हमने क्या कहा, अल्फा अमीनो एसिड आर हाई मेल्टिंग और उसी के साथ में क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है। मतलब उनका स्ट्रक्चर किस तरह से है, तो अल्फा अमीनो एसिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और सबसे बड़ी बात वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। मतलब तीन प्रॉपर्टीज है अल्फा अमीनो एसिड, एक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले सब्सटेंस अल्फा अमीनो एसिड, सेकंड अल्फा अमीनो एसिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है और साथ ही में वो वाटर में डिजोल्व होते हैं, वाटर में सोल्यूबल है। अब ये जो प्रॉपर्टीज है अल्फा अमीनो एसिड को, तो किस वजह से ये प्रॉपर्टीज अल्फा अमीनो एसिड को मिली, तो बिकॉज अल्फा अमीनो एसिड जिटर आयन फॉर्म करते हैं। अल्फा अमीनो एसिड क्या फॉर्म कर सकते हैं, जिटर आयन। मतलब अगर ऐसा पूछा गया कि अल्फा अमीनो एसिड हाई मेल्टिंग और क्रिस्टलाइन सॉलिड है और वाटर सोल्यूबल है तो क्यों है, तो बताना वहां पर, क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड ये जिटर आयन फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए अल्फा अमीनो एसिड हाई मेल्टिंग पॉइंट रहने वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड है और साथ ही में वाटर सोल्यूबल है। तो आप देखते हैं कि जिटर आयन क्या है। तो यहां एक बात समझ में आई, जिटर आयन एक अल्फा अमीनो एसिड की एक प्रॉपर्टी है, अल्फा अमीनो एसिड जिटर आयन बना सकते, उसी प्रॉपर्टी से जो है उसे इस तरह के प्रॉपर्टीज मिल सकते हैं। तो अब जिटर आयन क्या है देखते हैं। हर अल्फा अमीनो एसिड में आपको पता है उसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक NH2 और दूसरा COOH। मतलब हम जनरल स्ट्रक्चर लिखते हैं RCH NH2COOH, तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, एक है COOH और एक है NH2, क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड एक बाय फंक्शनल कंपाउंड है। अल्फा कार्बन है ये, इस अल्फा कार्बन को ये अमाइनो को अटैच है, बाकी स्ट्रक्चर एसिड का है इसलिए इसे अल्फा अमीनो एसिड कहा। तो अल्फा अमीनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप है, एक COOH मतलब कार्बोक्सी, ये जो ग्रुप है इसका नाम है कार्बोक्सी एसिड का ग्रुप, कार्बोक्सी ग्रुप, और ये जो NH2 है ये है अमाइनो। अब ये दोनों भी ग्रुप जो है उनको अपनी अपनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है, मतलब कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है ये एसिड में होता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो कौन सी प्रॉपर्टी डिटरमाइन करेगा, तो वो डिटरमाइन करेगा एसिडिक प्रॉपर्टी। मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी आने के लिए इस स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, COOH। और अमाइनो जो ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप इस स्ट्रक्चर की बेसिक प्रॉपर्टी को रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसे हमने बायफंक्शनल कंपाउंड कहा है। अब यही जो अल्फा अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल है, यही अगर प्रोटॉन ट्रांसफर करता है तो वो जिटर आयन बनाता है। अब प्रोटॉन ट्रांसफर किस तरह से होगी देखिए, अब ये जो NH2 है हम इस तरह से लिखते हैं NH2। आपको पता है NH2 में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है,
नाइट्रोजन पर लोन पेयर, भले ही हम वो हमेशा स्ट्रक्चर जो लिखते हैं उसमें नहीं लिखते हैं लोन पेयर, मगर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होती है इस तरह से, और बाकी स्ट्रक्चर ऐसी थी। अब इस स्ट्रक्चर में अगर इस नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर देकर अगर हाइड्रोजन को अपने ओर खींच लिया तो उसका मतलब क्या होगा, ये जो OH बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये OH बॉन्ड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, मतलब ये जो बॉन्ड पेयर है ये सिर्फ ऑक्सीजन पर अटैक होगा हाइड्रोजन पर नहीं, मतलब यहां पर क्या होगा, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर किसे देगा, इस हाइड्रोजन को, क्यों, बिकॉज ये जो नाइट्रोजन है ये प्रोटॉन, हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन, उसको वो अट्रैक्ट करेगा, खींच लेगा अपनी तरफ, बिकॉज वो देता है लोन पेयर, तो ये नाइट्रोजन लोन पेयर देगा हाइड्रोजन को, वो अपने तरफ ले लेगा। फिर यहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन किस तरह से ऑक्सीजन से सेपरेट होगा, तो ये जो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है इनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, मतलब इसे हम बॉन्ड पे रखेंगे, वो ऑक्सीजन ले लेगा, मतलब हाइड्रोजन पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को अटैच होगा, इसलिए वो विदाउट इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रोटॉन है ये नाइट्रोजन पे ट्रांसफर होगा। अब नाइट्रोजन ने वो प्रोटॉन लेने के बाद, नाइट्रोजन पे ऑलरेडी दो हाइड्रोजन थे, ये प्रोटॉन देकर वो हाइड्रोजन लेने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर हो जाएगी थ्री, इसलिए NH2 को हो जाएगा NH3, मगर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की, इसलिए नाइट्रोजन पर आएगा प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है बाकी स्ट्रक्चर में यहां से प्रोटॉन गया है, इसलिए ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन पर यहाँ की इलेक्ट्रॉन पेयर आ चुकी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर आने की वजह से यहां पर बनेगा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ये प्रोटॉन यहां पर ट्रांसफर करने की वजह से यहां पर NH3+ बन रहा है, और यहां से हाइड्रोजन जाने की वजह से ऑक्सीजन पर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर आ गई, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज बन रहा है। अब किस तरह का स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर में दो चार्जेस मतलब दो पोल्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसलिए ये एक डायपोलर आयन है, आयन क्यों, तो बिकॉज उसके चार्जेस है, हर किसी स्पीसीज पर जब चार्ज होता है उसे आयन कहते हैं, ये आयन है क्योंकि इस पे दो चार्जेस है, दो चार्जेस होने की वजह से ये एक डायपोलर आयन है, ये एक डायपोलर आयन है, और आयनिक होने की वजह से इसका नेचर सॉल्ट जैसा है, मतलब एक ये सॉल्ट जैसा डायपोलर आयन है, मतलब अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल एक सॉल्ट जैसा, सॉल्ट लाइक डायपोलर आयन जो बनाता है, उसी डायपोलर आयन को ZWIERR ज्यूटर आयन कहते हैं, मतलब व्हाट इज ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन आर द डायपोलर आयन, ज्यूटर आयन की डेफिनेशन बनाएंगे हम, ज्यूटर आयन आर द डायपोलर आयन दैट कंटेन टू अपोजिट चार्जेस। इस पर कौन से चार्जेस होते हैं, दो अपोजिट चार्जेस, मतलब ये प्लस तो ये माइनस, इसलिए इस तरह का जो डायपोलर आयन है जिसपे दो अपोजिट चार्जेस होते हैं और जिसका नेचर सॉल्ट जैसा होता है, विच इज लाइक सॉल्ट इन नेचर, क्योंकि आयनिक सब्सटेंस, आयनिक सब्सटेंस किस तरह से होता है, कोई भी आयनिक सब्सटेंस सॉल्ट जैसा होता है, इसीलिए ये ज्विटर आयन फॉर्म करने की टेंडेंसी अल्फा अमीनो एसिड में होती है, इसीलिए अल्फा अमीनो एसिड हाई मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड एज वेल एज वाटर सोल्युबल सब्सटेंस होते हैं और उनका
जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सेम मास वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से और सिंपल अमाइनो से भी ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? बिकॉज वो क्या फॉर्म कर सकते हैं? ज्विटर आयन फॉर्म कर सकते हैं। तो ज्विटर आयन एक टाइप का डायपोलर आयन है। कब बनेगा? जब क्या होगी? प्रोटॉन ट्रांसफर होगी। प्रोटॉन मतलब एच प्लस। प्रोटॉन कहां से ट्रांसफर होगा? जो COOH है उसके OH में से जो हाइड्रोजन निकलेगा उसे हम प्रोटॉन कहेंगे। वो प्रोटॉन कौन खींचेगा? आपके ओर खींचेगा नाइट्रोजन पर, जिस पर नाइट्रोजन पर बोन पेयर है वो NH2, और इसलिए वहां पर NH2 का NH3 हो जाएगा और COO- उस साइड से बनेगा। इस तरह का डायपोलर आयन ज्विटर आयन। इसलिए ये जो अल्फा अमीनो एसिड है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो याद रखिए ज्विटर आयन किस तरह से फॉर्म होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं एलेनाइन का। अब ये जो एलेनाइन है ये तीन तरह के फॉर्म में एग्जिस्ट है एलेनाइन। अब एलेनाइन क्या है आपको पता है, पिछले नॉमेनक्लेचर में आपने देखी एलेनाइन एक एग्जांपल है अल्फा अमीनो एसिड का। एलेनाइन एक एग्जांपल है अल्फा अमीनो एसिड का। तो जिसका स्ट्रक्चर होता है CH3CHNH2COOH, आप इस तरह से लिख सकते हैं, या आप यहां से NH2 इधर बताइए आपके स्ट्रक्चर के लिए NH2 यहां पर CH3 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये होगा अल्फा कार्बन, अल्फा को NH2 अटैच, इसलिए ये अल्फा अमीनो एसिड है। मगर जिसमें NH2CH3 मतलब R का नेचर मिथिल होता है वो होता है एलेनाइन। अब ये एलेनाइन का एक ही स्ट्रक्चर तीन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट है। अब तीन अलग अलग फॉर्म देखिए किस तरह से बनाता है। अब एलेनाइन में इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, वो तो हर स्ट्रक्चर में होगी, जहां पर भी नाइट्रोजन होगा वहां पर लोन पेयर होगा। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, ये अगर COOH का प्रोटॉन नहीं लेकर किसी अलग सोर्स से प्रोटॉन देता है, मतलब ये हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा COOH का, मगर फिर भी NH2 का नाइट्रोजन कहीं दूसरे सोर्स से प्रोटॉन लेता है, तो यहां पर ये जो नाइट्रोजन है उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और NH2 का हो जाएगा NH3, जिस तरह से पिछले स्ट्रक्चर में हुआ। सिर्फ यहां पर क्या है कि इस टाइम ये जो स्ट्रक्चर है ये COOH का प्रोटॉन नहीं लेते हुए कोई और जो सोर्स है रिएक्शन में, कोई मीडियम है, कोई एसिड है, उससे जब प्रोटॉन लेगा तो ये हो जाएगा NH3+, बाकी स्ट्रक्चर CHCH3COOH। मतलब हमें यहां क्या देखना है, हमको देखना है एलेनाइन तीन स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट है। अब उसी तरह से उसकी जो प्रॉपर्टीज है तीन फॉर्म में अलग अलग रहेगी, और उसकी जो पीएच होती है सॉल्यूशन वो भी तीनों भी फॉर्म में अलग अलग। पीएच क्या है? एक प्रॉपर्टी। अब ये पीएच जो है डिफरेंट है कि एलेनाइन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट है। मतलब देखिए यहां पर कि स्ट्रक्चर किस तरह से होता है तो प्रॉपर्टीज किस तरह से बदलती है। अब यहां पर NH3+CHCH3COOH ये हाइड्रोजन एज इट इज है, माने ये हाइड्रोजन इधर नहीं ट्रांसफर, माने कोई और सोर्स यहां पर प्रोटॉन, तो ये इस तरह से एक आयन बन गया। अब इस आयन पर नेट चार्ज कितना है, इस मॉलिक्यूल इस पर है प्लस चार्ज, एक ही चार्ज, इसलिए इस आयन पे ओवरऑल चार्ज है प्लस वन पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए ओवरऑल चार्ज इस स्पीसीज का एलेनाइन के ओवरऑल चार्ज है +1। अब +1 चार्ज होने की वजह से इस अमीनो एसिड की मतलब ये जो फॉर्म है एलेनाइन का, इसके अगर पीएच निकाले तो पीएच जो होती है वो <2 होती है। मतलब इस अमीनो एसिड की मॉलिक्यूल की पीएच 2 से कम है। पीएच ऑफ दिस मॉलिक्यूल
लेस देन टू। अब लेस देन टू होने के बाद आपको पता है अगर 7 से नीचे अगर पीएच हो, 7 से नीचे, तो एसिडिक होती है, 7 न्यूट्रल होती है, और बेसिक के लिए पीएच 7 से जब ग्रेटर होती है तो बेसिक होती है। तो आपको तो पता है कि अल्फा अमीनो एसिड 3 प्रकार के, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक। न्यूट्रल क्यों होता होगा? बिकॉज उसकी पीएच 7 होती होगी। एसिडिक क्यों होता होगा? बिकॉज उसकी पीएच 7 से कम होती होगी। और बेसिक क्यों होता होगा? बिकॉज उसकी पीएच 7 से ज्यादा होती होगी। तो अब ये मॉलिक्यूल किस तरह का होना, सोल्यूशन में एक्वे सोल्यूशन बनाया गया है, तो इसकी पीएच 2 से कम है, इसका मतलब ये एसिडिक रहेगा नेचर, ये स्पीसीज होगी। दूसरा देखिए, और एक फॉर्म है। अब अगर इस टाइप ये जो एलानाइन है, ये एलानाइन अगर ये यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर करता है इस NH2, मतलब यहां पर आप बनेगा ज्यूटराइन, ये ज्यूटराइन नहीं, इसे आप ज्यूटराइन नहीं कह सकते क्योंकि ये सिंगल चार्ज वाला आयन है, ये डायपोलर आयन नहीं, मगर ज्यूटर आयन कब बनता है? जब OH से हाइड्रोजन यहां पर, मतलब प्रोटॉन यहां पर ट्रांसफर होगा, यहां हो जाएगा NH3, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, आगे CH3, फिर आगे CO(O-), क्योंकि यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है, इसलिए यहाँ की इलेक्ट्रॉन पे किस पर है? ऑक्सीजन पर। ये सेकंड स्पीशीज, इसलिए यहां पर दो चार्जेस, इसलिए डायपोलर आयन, ये क्या है? डायपोलर आयन किसका? ऑफ एलानाइन, एलानाइन का ये डायपोलर आयन। अब इस टाइम इसकी जो पीएच है ये नियरली इक्वल टू 6 है अभी, मतलब इस डायपोलर आयन जो है एलानाइन का, इसकी पीएच है नियरली इक्वल टू 6, इसका मतलब फिर 7 से कम है, इसलिए ये भी नेचर में इस तरह से होगा, एक्वे सॉल्यूशन में ये भी एसिडिक होगा, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, मगर ये एक डायपोलर आयन है, ये डायपोलर आयन नहीं। अब इसमें नेट चार्ज कितना है, ओवरऑल चार्ज कितना है? एक प्लस है एक माइनस, इसलिए प्लस माइनस कैंसिल हो, तो ओवरऑल चार्ज होगा, ओवरऑल मतलब नेट चार्ज वो होगा 0, ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा इस पे? 0, नेट चार्ज रहेगा 0। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस एक एक चार्जेस थे, उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, जब एक प्लस एक माइनस को कैंसिल करेगा तो ओवरऑल चार्ज होगा 0, ओवरऑल चार्ज नेट चार्ज 0 होने के बाद भी ये डायपोलर आयन इसकी पीएच नियरली इक्वल टू 6 है, मतलब फिर भी अभी भी ये एसिडिक है। तो ये जो फॉर्म है ये होगा सेकंड फॉर्म ऑफ एलानाइन। और थर्ड एंड लास्ट स्पीसीज जो है वो एलानाइन बनाता है, अगर जिस तरह से पहले फॉर्म में उसने दूसरे से प्रोटॉन लिया तब इस तरह का स्पीसीज उसने बनाया, इस तरह का मॉलिक्यूल बनाया। अगर उसी मॉलिक्यूल से प्रोटॉन ट्रांसफर हुई OH से तो डायपोलर आयन, मतलब ज्यूटर आयन बनाया। अब अगर ये जो अल्फा अमीनो एसिड है, मतलब यहां पर एलानाइन है, इसने अपने OH का, मतलब ये जो हाइड्रोजन है इसे हम जो प्रोटॉन कहते हैं, ये प्रोटॉन अगर उसने दूसरे को अगर ट्रांसफर किया, नाइट्रोजन ने नहीं लिया, ये OH का अगर हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन वो अगर किसी और स्पीशीज को अगर देता है तो किस तरह से स्ट्रक्चर होगा? ये फिर से एसिडिक रहेगा, NH2, क्योंकि ये प्रोटॉन जो है अब इस टाइम उसने नहीं लिया, इस नाइट्रोजन ने उसे नहीं लिया, किसी और स्पीशीज ने लिया, तो ये NH2 एसिडिक रहेगा, ये CH3। और यहां से ये प्रोटॉन ये मॉलिक्यूल किसी और को देता है, इसलिए यहां पर रहेगा C(O). और फिर से जब हाइड्रोजन जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीजन पर आएगी, इसलिए यहाँ के ऑक्सीजन पर बनेगा नेगेटिव चार्ज। जिस तरह से ये एक पॉजिटिव आयन था उसी तरह से एक ये नेगेटिव आयन है, क्योंकि इस पे ओवरऑल चार्ज जो है इस थर्ड स्पीसीज पे ओवरऑल चार्ज है -1, इस तरह से इस पे था +1, उसी तरह से इस पर है -1। अब ये जो एलानाइन की ये जो स्पीसीज है, अगर इसे एक्वे सॉल्यूशन में बनाया जाए
या इसे वाटर में डिजोल्व किया जाए तो उस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो ग्रेटर होगी देन 10, मतलब किससे ज्यादा होगी, 10 से ज्यादा होगी। मतलब इस पीएच से हमें यह क्या कहना है, इस टॉपिक में कहना है कि अल्फा अमीनो एसिड कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट है। वो अगर इस तरह के स्पीसीज बनाता है तो पीएच लेस देन 2 होगी। वो अगर डायपोलर आयन, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं ज्विटर आयन अगर बनाता है तो पीएच उसकी नियरली इक्वल टू 6 हो। अब वो अगर इस तरह का निगेटिव चार्ज वाला आयन अगर बनाता है तो उसकी पीएच वो ग्रेटर होगी 10 से। अब जब 10 से पीएच ग्रेटर होती है तो होता है बेसिक। ये किस तरह से रहेगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक, मतलब इसकी बहुत कम पीएच है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। ये किस तरह से रहेगा, एक नियरली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, कम एसिडिक थोड़ा सा, बिकॉज नियरली 7 है, वो न्यूट्रल से नजदीक है, इसलिए ये तो एसिडिक ही रहेगा मगर स्लाइटली एसिडिक रहेगा। अब ये जो है इसकी पीएच बहुत ज्यादा है 7 से, 7 न्यूट्रल होता है 7 के ऊपर, ये जो सब्सटेंस है वो बेसिक होगा, इसलिए पीएच ज्यादा होने की वजह से ये सब्सटेंस रहेगा बेसिक। तो इस टॉपिक में कहना था जिस तरह से स्ट्रक्चर होगा, जिस तरह से आयन होगा, उस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज होगी, और जिस तरह से प्रॉपर्टीज है ये डिपेंड करती है कि उस सॉल्यूशन की पीएच किस तरह से है। तो ये ज्विटर आयन बनाने की प्रॉपर्टी जो है अल्फा अमीनो एसिड को, कई डिफरेंट प्रॉपर्टीज उसकी बनती है। तो एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से ये वीडियो देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो अब यही अल्फा अमीनो एसिड किस तरह से प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोटीन से पहली स्टेज होती है पेप्टाइड, पेप्टाइड के बाद में पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड के बाद में किस तरह से प्रोटीन बनता है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखते रहेंगे।